कैसा है मेरा बच्चा? अरे 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 बेटा, इतनी आंखें नहीं फाड़ते, आंखें फट जाएंगी बेटा। अब फिर से आ गए। मैंने कहा था ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन हमें तो आपसे बात करनी है, इतना जान लो। हमारे गोलू मोलू, आपकी जान जो है ना बेटा, वो अब हमारी मुट्ठी में है, और आपकी जिंदगी का बटन बेटा यहाँ है, बीच में। यहाँ बटन है आपकी जिंदगी का। हम दबाएंगे तो ऑन, हम दबाएंगे तो ऑफ। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन मतलब आपकी जिंदगी बच जाएगी, और ऑफ पूरी दुनिया में एक ही आदमी है बेटा जो आपकी जान बचा सकता है, और वो कौन है? सम्राट सिंह राठौर। तो बेटा आज की डेट में हम हुए आपके गॉड। क्या हुए? गॉड, गॉड फादर, भगवान जी, परमपिता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही यार, तुम्हें बचाया जाए या ना बचाया जाए, क्या करूं भाई? कंफ्यूजन हो रही है मुझे। क्या कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से तुम्हें बचाना तो बनता नहीं है। अपनी मम्मा के साथ मिलके बहुत भाव दिखाया आपने हमें भी, सब नोटिस किया मैंने भाई साहब। और अगर बचा लिया तो और भाव खाओगे, है कि नहीं? और अगर हम आपको आपकी बदतमीजियों के लिए, जिसमें आपने हमसे बात करने से इनकार कर दिया था, पनिशमेंट दे दें और आपको ना बचाएं, तो आपको आपकी मम्मा के लिए टूटता तारा बना दे, तो जो सिर्फ टूटते हुए नजर आता है उसके बाद मम्मा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुडू किया। खेल बेटा गेम, खेल तानी तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे क्या होगा? कोई काम था बताइए। चलो अच्छा है, तुम्हें रिलैक्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मेरा तो उठना बैठना भी हराम हो गया इस घर में। क्यों? What do you mean, क्यों? घर में इतना सब कुछ चल रहा है, उर्मी और शौर्य की वजह से एक तरफ मेरी ईशान की जिंदगी खराब हो रही है और दूसरी तरफ तुम्हारी। कहाँ मेरी जिंदगी खराब हो रही है? कुछ भी तो नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज फाइन और सब ठीक ही होगा। आपने देखा नहीं, सम्राट ने किसी सबके सामने मना कर दिया मुझे धोखा देने से, देखा था ना आपने? फिर हाँ मैंने देखा था, लेकिन कल को क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। बात यहाँ सम्राट के अपने बेटे की है तानी, खून कब उछाल मारने लगे किसी को नहीं पता, घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं तानी। मुझे बस इसी बात का डर है कि कल को अगर सम्राट ने अपना फैसला बदल दिया तो। भगवान से वरदान मांगने के लिए तो उनकी साधना की जाती है, और वो जब प्रसन्न हो जाते हैं साधना से तो दे देते हैं वरदान। उसी प्रकार आपको हमारी साधना करनी पड़ेगी उर्मी मैडम जी, और अगर आप हमें प्रसन्न करने में सफल हो गई तो मिल जाएगा आपको आपका वरदान। और बोलिए, नहीं तो आपके बच्चे की किस्मत और आपकी ना कामयाबी और ना काबिलियत सब मिलके आपको अपनी खुशियां खाने वाली औरत का खिताब दे देंगे। दुनिया कहेगी ये देखिए इस औरत को भी, अपनी अय्याशियों के चलते इस औरत ने अपने ही जीते जागते पति को छोड़ अपने यार से शादी कर ली और अपने बच्चे की जान तक नहीं बचा पाई। और इसीलिए मैडम जी आपके लिए अपने बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है, समझ में आ रही हमारी बात? और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप हमें खुश रखें। मेक मी हैप्पी।